क्या है दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, साथ वाला सुअर फार्मर केमन आछे त्रिपुरा की खबर असम और राम राम ताऊ। आज एक नई चीज पे चर्चा करेंगे जिसको बोलते हैं हर्निया। इंडिया में हर्निया को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, क्योंकि हमारी, मैं आपको पिछले वाली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि इतनी ज़्यादा एडवांस्ड नहीं हुई है अभी तक इंडिया की बिक्री कि हर चीज़ का सफल इलाज हमें मिल सके। इंडिया में सिर्फ मात्र दो वैक्सीन मिलती हैं, CSF और FMD, वो भी बहुत मुश्किल से। आप लोगों को मालूम ही है, सरकार है सरक के चल रही है। तो जैसे मैंने ये जो फार्म लगाया है, जो वीडियोस चालू करी हैं, यूट्यूब चालू करा है आप लोगों के लिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो हम लोग सीखते हैं, जो या हम लोग अपनी फार्म की प्रैक्टिस करते हैं, या जो मेरे को आता है, वो आप तक पहुँचना चाहिए। सिर्फ इसी के लिए मैं वापस यूट्यूब चैनल पे आया हूँ और वापस जो सीख रहा हूँ, जो बना चुका हूँ। तो आज मैं कुछ ये जो सर्जरियाँ हमारे यहाँ होती हैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो लाया हूँ आपके लिए कि आप हो सकता है सीखें या होता कैसे वो आपको समझ में आए। ये जो भी आप करेंगे प्रोसीजर किसी क्वालिफाइड वेटनरी ऑफिसर या किसी क्वालिफाइड पशु मित्र जिसको थोड़ा सा सर्जरी का आइडिया हो, उसी के सामने करें। खुद ही इस पे आप एक्सपेरिमेंट ना करें, मैं सिर्फ सिखाने के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, आप खुद करें। आपको अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा हर उस फार्मर को जिसको इन वीडियोस की या इस चीज़ की सीखने की ज़रूरत हो और जिसको ये नॉलेज मिल नहीं पा रही हो। और भाइयों, एक मुहिम अपनी वापस से चालू है, ये जो ट्रेनिंग सेंटर हर नुक्कड़ हर चौराहे पे खुले हुए हैं, जो आपका कोई का भला नहीं करते, उनको सिर्फ अपना माल बेचना है, उनको सिर्फ अपने बारे में बताना है कि भैया हमारा ये फार्म है, हमसे माल लो, हमसे ट्रेनिंग ली, हमसे माल ले लो। तो भाई साहब, वाइट बोर्ड पे जो ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं कि भैया 10 सुअर पालोगे तो इतनी कमाई होगी, रातों रात करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। धरातल पे आओ, धरातल पे सीखो। हाँ भाई, तू भी बोल ले। लेकिन देखो, सच बोल रहा था तो कुकड़ू ने भी सही बोल दिया। ये याद रखना है, ट्रेनिंग सेंटर्स जो खुले हुए हैं, जो एक साल चलाया अब हम ट्रेनिंग देते हैं और फार्म एक साल चला लिया, मक्का डाल ली, सोया डाल लिया, किनकी डाल ली, बुलबुल डाल ली, उसके बाद मिनरल मिक्सचर, मिक्सर भी नहीं बोल पाते हैं, मिनरल मिक्सचर डाल लिया, उससे फीड नहीं बनता है भाई साहब, समझो। साइंस है, एनिमल फार्मिंग भी साइंस है, फीड बनाना एक और साइंस है। तो जो फीड बना रहे हैं उनको फीड बनाने दो, आपका काम है फार्म चलाना, फार्म चलाओ। और एक और बात, ये जो यूट्यूब 2-2.5 साल हो गए थे मेरे को वीडियोस डाले हुए, तो मैं देखता था जितने भी छपरे यूट्यूबर्स हैं ना, किसी के फार्म पे चले जाएंगे, अपना फार्म किसी का भी नहीं होता कि इसने सरकारी नौकरी छोड़ी है, ये 10 लाख कमाता है, वो ये काम करके आया है, वो 1 करोड़ कमाता है, देखिए इसको, देखिए उसको। भाई साहब, इन छपरी यूट्यूबर्स को देख के अपना फार्म कभी मत चालू करना। धरातल पे जब आओगे तो फिर लगेगी बहुत जोर की। यूट्यूबर्स जितने भी ये चैनल देख रहा हूँ मैं, सब जो बातें हैं भ्रांतियाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि किसी ने अपनी नौकरी छोड़ के काम किया और वो 1 साल में करोड़पति बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। 2 साल तो मेरे को फार्म बनाने में लग गए, सिर्फ फार्म बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा किसी का कोई फार्म नहीं जिसके फार्म में कोई बैक्टीरिया ना हो या कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो यूट्यूबर्स को देख देख के जो फार्म्स खुल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, अपनी खुद की रिसर्च करिए, खुद की रिसर्च करिए, खुद की रिसर्च करोगे वही आपको लेके जाएगी आगे। इन बाकी छपरियों ने किसका भला कर लिया, इनको अपने व्यूज चाहिए, उससे इनकी कमाई है, आज इसके फार्म पे, कल दूसरे के फार्म पे, परसों तीसरे के फार्म पे। अपने फार्म पे किसी बाहर के बंदे को ना घुसने दें, आपको मालूम नहीं है कि कौन
अपने सर पे अपने कपड़ों पे क्या बैक्टीरिया लेके आ रहे हैं। बायोसिक्योरिटी एक मात्र इलाज है किसी भी एनिमल फार्मिंग का, चाहे सुअर का कर लो, चाहे मुर्गी का कर लो, चाहे किसी भी चीज़ का कर लो। बायोसिक्योरिटी जब तक नहीं समझोगे तब तक नुकसान होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। तो ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, आगे भी टाइम निकालूंगा, बनाता रहूंगा, आप लोगों के सामने आता रहूंगा। आज के लिए हर्निया चालू करते हैं, लेट्स गो।